नमस्कार दोस्तों, इंदौर के एक्जिम ट्रेनिंग से मैं राकेश अग्रवाल आपको नमस्कार करता हूं। मित्रों, हमारे एक्जिम ट्रेनिंग सेंटर पर अनेक युवाओं को एक्सपोर्ट इंपोर्ट का ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं। आज हमारे बीच इंदौर के श्री गोपाल जी मौजूद हैं, इनका ट्रेनिंग कंप्लीट हुआ। आइए गोपाल जी से बात करते हैं कि उन्होंने हमारे यहाँ एक्सपोर्ट इम्पोर्ट के इस ट्रेनिंग प्रोग्राम में क्या सीखा। तो गोपाल जी, आप इंदौर से ही हैं? यस। आप पहले जब हमारे आए थे, आपको इंपोर्ट एक्सपोर्ट का कितना नॉलेज था? बिल्कुल भी नॉलेज नहीं था। बिल्कुल भी नॉलेज नहीं था, यानी आपको एक्सपोर्ट इंपोर्ट का कोई जानकारी नहीं? नहीं जानकारी थी। फिर आपने सोचा कि आप सीखें? सीखें। ओके, तो अभी आप क्या करते हो? अभी मेरा कंप्यूटर ऑपरेटर का जॉब है। कंप्यूटर ऑपरेटर का जॉब है? ओके। देखिए, कंप्यूटर ऑपरेटर का जॉब करते हैं और इन्हें एक्सपोर्ट इम्पोर्ट का कोई नॉलेज नहीं था। इन्होंने सोचा कि इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस सीखना चाहिए और ये हमारे यहाँ ट्रेनिंग लेने के लिए आए। तो गोपाल जी, आपने क्या सीखा हमारे यहाँ इस ट्रेनिंग सेंटर पे आकर? आपने क्या सीखा? मैंने यहाँ पर आईसी किसे बनता है, उसके आईसी बनाने के डॉक्यूमेंट क्या होते हैं वो सीखा। उसके बाद फिर जो अपना जो सी उसके बाद फिर सीएचए अपॉइंट करते हैं अपन जी। उसके बाद फिर जो इंपोर्ट 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 एक्सपोर्ट के जो बायर ये इंपोर्टर एक्सपोर्टर होते हैं, वो उनको उनको कैसे ढूंढना, एक्सपोर्टर इंपोर्टर को कैसे सर्च करना है इंटरनेशनल मार्केट में जी, उनसे कैसे कम्युनिकेशन स्किल। हाँ, ये बहुत जरूरी है। इंपोर्टर एक्सपोर्टर को ढूंढ लो तो डील पक्की करने के लिए बातचीत करना, कम्युनिकेशन करना, यानी डील पक्की कैसे करना। हाँ, ये सीखा। इसके बाद? इसके बाद फिर ये परफॉर्मा इनवाइस जो बनता है, प्रोफार्मा इनवाइस, परफॉर्मा इनवाइस, परफॉर्मा इनवाइस कैसे बनता है, कैसे बनता है वो सीखा मैंने। उसके बाद फिर जो कॉन्ट्रैक्ट होता है वो कैसे बनता है, कॉन्ट्रैक्ट कैसे बनाया जाता है, अनुबंध कैसे किया जाता है वो सीखा। उसके बाद फिर डॉक्यूमेंट जो होते हैं उसके वो कैसे कैसे बनते हैं, फॉरेन ट्रेड के कौन कौन से डॉक्यूमेंट बिजनेस में यूज किए जाते हैं और कैसे बनाए जाते हैं, है ना। इन्हें डॉक्यूमेंटेशन पूरा सीखा। उसके बाद फिर जो बैंक के काम होते हैं के सामने वाले अपन को बायर से अपन को पेमेंट कैसे लेना है वो सीखा। और इंश्योरेंस वगैरह कैसे वो किया जाता वो सीखा। उस फॉरेन ट्रेड में रिस्क कवर करने के लिए इंश्योरेंस कैसे किया जाता है, सीखा। ओके। उसके बाद फिर इंपोर्ट एक्सपोर्ट के लिए जो लोन दिया जाता है वो कैसे लिया जाता है वो सीखा। एक्सपोर्ट का लोन कैसे मिलता है, इम्पोर्ट का लोन कैसे मिलता है, ये आपने सीखा। जी। उसके बाद फिर जो ये जो कस्टम क्लियरेंस होता है कैसे करवाया जाता है वो सीखा। कस्टम क्लियरेंस कैसे किया जाता है, यानी बिजनेस की शुरुआत से लेकर आईसी बनाने से लेकर बैंकिंग, डॉक्यूमेंटेशन, इंश्योरेंस, इंपोर्ट का लोन, एक्सपोर्ट का लोन और कस्टम क्लियरेंस सब कुछ आपने सीखा। यस। अब आपको कॉन्फिडेंस है? हाँ, खुद में कि आप अब अपना बिजनेस कर सकते हैं? पक्का? पक्का, गारंटी से? यस। सबको बोल रहे हो आप सामने? हाँ, कि अब आप सीख गए हो, मतलब हमारी ट्रेनिंग आपको फायदेमंद रही? बिल्कुल 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 फायदेमंद रही। तो लोगों को सीखना चाहिए? सीखना चाहिए, बिल्कुल। बहुत अच्छा काम है, सीखो, आप भी आगे बढ़ो, खूब पैसा कमाओ जी। तो देखिए, राकेश सर से सीखिए, बढ़िया है सर। अच्छा, देखिए, ऐसे अनेक स्टूडेंट हमारे पास आते हैं जो फॉरेन ट्रेड सीखना चाहते हैं और सीखने के बाद बिजनेस भी कर रहे हैं। हम आने वाले वीडियो में हमारी सक्सेस स्टोरीज को लाएंगे, जो ऐसे स्टूडेंट, आपको मैं बताऊं कि जो ऐसे स्टूडेंट जो बीपीओ में कॉल सेंटर में काम करते थे, 6,000, 7,000, 8,000 रुपए, 10,000 रुपए की नौकरी करते थे, हमारी ट्रेनिंग के बाद आज एक्सपोर्ट का बिजनेस कर रहे हैं। इसी इंदौर शहर में ऐसे लाइव एग्जांपल है, ऐसे एग्जांपल है जो 8वीं, 10वीं, 12वीं पास है और जिन्हें बिजनेस का कोई अनुभव नहीं था या बिजनेस करना नहीं जानते थे या एक्सपोर्ट इम्पोर्ट बिल्कुल नहीं जानते थे, उनको भी हम आपके सामने आने वाले वीडियो में प्रस्तुत करेंगे कि हमारी ट्रेनिंग के बाद आज वो बहुत सारा बिजनेस कर चुके हैं और कर रहे हैं। अनेक प्रकार के ऐसे लोग जिन्हें फॉरेन ट्रेड का नॉलेज नहीं होता है, वो हमारे ट्रेनिंग सेंटर पर आए, हमसे ट्रेनिंग प्राप्त की और आज वो सफल एक्सपोर्टर और सफल इंपोर्टर के रूप में बिजनेस कर रहे हैं। मित्रों, तो आइए इंदौर के एक्जिम ट्रेनिंग सेंटर पर मैं आपकी सेवा के लिए उपलब्ध हूँ, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट का कंप्लीट ट्रेनिंग आपको प्रोवाइड करता हूँ। तो गोपाल जी, बधाई, थैंक यू सर, आपका बहुत धन्यवाद, आप सफल हो। थैंक यू।